एक ऐसा टूल आपको दिखा रहा हूँ जो आपके बहुत काम होने वाला है, और आप उस टूल से अपना काम बहुत जल्दी कर सकते हो और फिनिशिंग के साथ कर सकते हो। दोस्तों वो टूल कुछ इस तरह का है, आपने शायद पहले ये देखा हो सकता है नहीं भी देखा हो। दोस्तों ये जो टूल है ये 45 डिग्री में आपका स्क्रू को टाइट कर देता है। इसका क्या होता है, ये कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, जब हम अपनी किचन की कैबिनेट बनाते हैं, किचन की कैबिनेट में हमारा एक साइज होता है बोटल पुल आउट का, जो हमारा 6 इंची 4 इंची और 8 इंची तक लगता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी ड्रिल मशीन अच्छे से उसके अंदर नहीं जा पाती, क्योंकि हमारा साइज कम होता है, ड्रिल मशीन का साइज ज़्यादा होता है। कुछ मैं समझाने के लिए आपको इस तरह के बॉक्स का इस्तेमाल करूँगा। ये हमारे पास बॉक्स है, ये क्या होता है, मान लो हमें यहाँ पर कोई चैनल लगानी पड़ जाए और हमारी ड्रिल मशीन इसके अंदर जा नहीं रही है, तो चैनल स्क्रू लगाने में हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो टूल आया है, इस टूल से, इस टूल की मदद से हम बहुत ही आसानी से इसमें अपना 4 इंची 3 इंची 8 इंची तक के, जहां पर आपकी ड्रिल मशीन अंदर तक नहीं जा सकती, उसमें इस टूल की मदद से आप कहीं पर भी स्क्रू टाइट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूं, ये टूल कुछ इस तरह का होता है। इसमें दोनों तरफ आप देख सकते हो बिट लगी रहती है, एक तरफ तो बिट ये मशीन के अंदर फिट हो जाती है। मशीन को टाइट करेंगे, ये मशीन हमने टाइट कर ली है। अब जो नॉर्मल अपनी स्टार बिट होती है वो इस तरह की होती है, PH2 का जो साइज होता है वो उसके अंदर आएगा, किसी भी छोटी बड़ी हो सकती है, पर इसका साइज PH2 होता है। आप इसको लगाओगे, ये देखिए दोस्तों, अब ये ऐसे चलती है, ड्रिल मशीन में एक तरफ से फिट हो गया, दूसरी तरफ से ये ऐसे चलेगी। मान लीजिए हमें ये छोटी आइटम है इसके अंदर हमें लगानी है, मान लो हम किचन कैबिनेट में बोटल पुल आउट का अगर ये बॉक्स है इसके अंदर हम करेंगे ऐसे, मान लो हमें अंदर लगानी है, तो इस तरह से इस टूल से आप स्क्रू टाइट कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, किसी भी एंगल में कर सकते हो, और नीचे की तरफ भी कर सकते हो। वहीं अगर हम इससे अपने डायरेक्ट छेद कर डायरेक्ट स्क्रू लगाते हैं तो मशीन अंदर बॉक्स के अंदर नहीं जाती और आपका स्क्रू नहीं लग पाता, कई बार हमें हथौड़ियों से चोट मार करके लगाना पड़ता है, तो उससे हमारी फिनिशिंग खराब होती है, चैनल खराब हो जाती है। तो इसी तरह का टूल आप भी मंगवा लीजिए और इस टूल की मदद से आप अपने काम को बहुत ही जल्दी कर सकते हो और बहुत ही फिनिशिंग के साथ करते हो। दोस्तों अगर ये आपको टूल चाहिए तो आप हमें भी कॉल करके, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये टूल मंगवा सकते हो, और नहीं तो अगर आपको ये मिल जाए कहीं पर मार्केट में, आप लेकर इससे भी काम कर सकते हो। दोस्तों इस तरह का टूल आप भी मार्केट से मंगवा सकते हो, अगर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिले तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से मंगवा सकते हो, नहीं तो आप कॉल करके हमसे भी ये परचेज कर सकते हो। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारा पेज फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हो तो हमारा पेज रजा वुडवर्क, आप उसे फॉलो कर लीजिए, और आप हमें यही वाली वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा यूट्यूब चैनल रजा वुडवर्क, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।